है फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो MS20। ऑटो MS20 पर आप हमेशा रेडी रहते हो नए नए स्टॉक के लिए, नए नए डीलर्स के लिए। जालना में हमने बहुत बार शूट किया है, पर जालना में हमेशा हम जब भी आए हैं तब टू व्हीलर मोटरसाइकिल का शूट हमने किया है। यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं युवराज वाहन बाज़ार स्टार लकी ऑटो डील ऐसा कुछ लिखा है, मतलब ये बोर्ड है इनका। और थोड़ा कैमरा बैक साइड बताना, एक बार महिंद्रा का शोरूम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर महिंद्रा कार्स का शोरूम है, उसके एग्जैक्टली सामने जालना के अंदर ये वाला शोरूम है। रेट्स बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं, कैसे रहेंगे हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि टू व्हीलर के लिए जालना बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया था। और ये रहे सर, सर वेलकम, वेलकम टू ऑटो MS20। तो यहाँ पर हमारे पास में छोटा एपे भी है और सारे लोडिंग रिक्शाज हमारे पास है। अभी तक के लिए ट्रक हमारे पास नहीं है, फोर व्हीलर तक का BS6 BS4 सब रहेगा, BS4 BS6 सब, उसके अंदर पेट्रोल डीजल सब मिलेगा, सब पेट्रोल डीजल सब मिल जाएगा। तो आपका नाम बताइएगा एक बार। कैलाश धुमाल। ओके, कैलाश धुमाल सर है हमारे साथ में, युवराज ऑटो कंसल्टेंट के वो मालिक हैं। और यहाँ पर उनके पास जितनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि किसी और का लोन आपको यूज़ करने मिलेगा वो वाली गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, आपको सेपरेटली आपका नया लोन करके मिलेगा, ऐसे वाली गाड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। अभी ये मैं कन्फ्यूजन क्यों दूर कर रहा हूँ, क्योंकि लकी ऑटो कंसल्टेंट पे लोगों का लोन भी हमें यूज़ करने मिलता था। अभी सर एक एक करके सारी गाड़ियाँ बतानी है, मगर हम ऑटो MS20 पर हैं तो हमें कम से कम रेट के अंदर आप ये गाड़ियाँ बताओगे। जैसा एक ऑफ़र रेट होता है आने के बाद, मैंने बताया इसके 5 लाख रुपये, मगर आपको देनी होती है 4 लाख रुपये में, तो इसके बीच जो आपको कम्फर्टेबल लगता है कम से कम रेट हमारे चैनल के लिए, वो आपको देना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा। तो ये पहली गाड़ी से शुरुआत करेंगे सर, तो आइएगा इस लाल परी के साथ में, बताइए क्या डिटेल है इसका। ये 2012 का मॉडल है जी, अभी से इसका पेपर ड्यू है, पेपर ड्यू अपन क्लियर करके देंगे 1,10,000 रुपये। ओके, पेपर ड्यू 1 साल के लिए करके दे देना, 1 साल के लिए पेपर क्लियर करके मिलेंगे 1,10,000 रुपये, उसमें 19-20 कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 1,10,000 रुपये में 19-20 कम कर देंगे इसके। 2012 का व्हीकल है, यहाँ पर पीछे बॉडी भी इसका बनाया गया है, बिल्डिंग थोड़ा हाईटेक बॉडी है शायद इसका, हाईटेक बॉडी के साथ में आता है। ये डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। अभी आज के स्टॉक में पूरी गाड़ियाँ डीजल है? पूरी गाड़ी डीजल। ओके, पेट्रोल एक भी नहीं है, तो फिर हम फिर से बात नहीं करेंगे डीजल के बारे में। तो यह वाला व्हीकल है, अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल देखेंगे। एपे रिक्शा का स्टॉक अच्छा खासा है इनके पास, आज 4 एपे रिक्शा देखने मिलेगी, एपे यानी लोडिंग वाली। बताइए इसका क्या डिटेल है। ये जो है तो ये 2014 का, इसके 1,50,000 रुपये बोलते हैं, 1,40,000 रुपये तक दे देंगे, 2 साल की पासिंग, 1 साल का इंश्योरेंस कम्प्लीट नहीं हुआ जाए। ओके, आपने देखा 1,40,000 तक के दे देंगे ऐसा बोल रहे हैं सर। बाकी आप आकर आपके तरीके से गाड़ी चेक कर रहे हैं सर, मेरा कोई दोस्त है जो गाड़ी जो वियर है यहाँ पर आकर चेक करना चाहता है, मैकेनिक ला सकता है? बिल्कुल, ला के चेक करके, हाँ पूरा क्लियर चेक करके, उसके बाद में सौदा करना है, बाद में पेमेंट हाथ में देना है। बाद में पेमेंट हाथ में देना है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी इतना श्योरिटी दे रहे हैं तो मुझे लगता है बेहतरीन गाड़ियाँ निकल जाएगी। पीछे इसकी भी हाईटेक बॉडी लगाई गई है। आपको मोटा माटी कुछ पता होता है इनका वेटिंग कैपेसिटी कितना होता है, वेट कितना होता है इसका? 7-8 क्विंटल का ज़्यादा, 7-8 kg का। ओके, 7-8 kg का एमरजेंसी में आप उठा पाओगे, है ना? और RTO ऑथोराइज थोड़ा कम होगा? ऑथोराइज कम आता है, लेकिन ऑथोराइज के हिसाब से तो कोई चलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी के सिचुएशन के अंदर सर बात कर रहे हैं, क्या आप 7-7 क्विंटल भी ले जा सकोगे, इतने कैपेसिटीज़ के अंदर है, ले जाते हैं बहुत सारे लोग, पर हम लोग लीगली जाना पसंद करेंगे। बाकी नेक्स्ट गाड़ी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला जो व्हीकल है 2015 का। ओके, ये आपके पेजियो कंपनी है, 2015 का है, इसका 2 साल की पासिंग नवी, 1 साल का इंश्योरेंस नवा। ओके, इसके 1,65,000 रुपये बोलते हैं, इसमें भी 19-20 कम ज़्यादा हो जाएंगे। 1,65,000 बोलते हैं, उसमें भी कम ज़्यादा हो जाएंगे। अभी एक बात मेरे को, ये डीजल ही है राइट? सब सारी गाड़ी डीजल, सब डीजल ही गाड़ी है। मगर मेरे को ये बताना सर, ये जो आप बोल रहे हैं 2 साल की पासिंग 1 साल का इंश्योरेंस करवा के देंगे, इसका पैसा आप ही पे करोगे या कस्टमर को? सब पेपर क्लियर करके देंगे, खाली कस्टमर को नाम पे करने का, नाम करने का खर्चा लगेगा, वो तो हर जगह करना पड़ता है। पेपर को तो पूरे पैसे हम लगाएंगे। टू व्हीलर भी लेते हो तो आपको नाम पर करने का खर्चा देना पड़ता है, तो ये बड़ा व्हीकल है, ये 3 व्हीलर है। ओके, ये हो गई गाड़ी, अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल देखेंगे। तो और एक ऐप है हमारे पास, मगर उसके बीच में ये एक गाड़ी आती है, टाटा जीप है। ओके, टाटा जीप, टाटा जीप है, ये 2012 का मॉडल है। ओके, ये पेपर इसके ड्यू है, अभी इसके पेपर क्लियर करके दे देंगे 1,20,000 रुपये। ओके, 1,20,000 रुपये के अंदर ये वाला व्हीकल भी मिल जाएगा, हाईटेक बॉडी के साथ में। ये भी लगभग सारी गाड़ी हाईटेक बॉडी के साथ में है, ऐसा मैं बोलने ही वाला था, उतने में मुझे ये गाड़ी नजर आई जो कि स्टॉक कंडीशन के अंदर दिखाई दे रही है। इसके ऊपर कोई हाईटेक बॉडी नहीं लगाई गई है, कंपनी से जो आती है, कंपनी कंपनी गाड़ी है पूरी। MH07 पासिंग है, बताइए सर। ये 2019 का है, 2019 का, ये पे इसके पेपर क्लियर करके दे देंगे, इसके 2,20,000 रुपये बोलते हैं, इसमें भी कम ज़्यादा करके दे, 2,20,000 में भी कम ज़्यादा करके दे देंगे पेपर क्लियर में। ओके, पेपर क्लियर में मिलेगा।
अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई ये गाड़ी नया तो XYZ रुपीज़ के अंदर आ रहा है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, ये वो ऐसा वैसा। तो रेट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कमेंट डाउन करने से अच्छा है कि सर का नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट उनको कॉल कीजिएगा, ये गाड़ी मुझे इतने रुपये में चलता है, उनको चलता होगा तो वो हाँ बोलेगा, नहीं चलता होगा तो नहीं बोलेगा, बराबर सर। ओके चलो नेक्स्ट व्हीकल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं MH20DT0270, बताइए। ये 2014 का है जी, इसकी पासिंग नवी आ जाएंगी, इंश्योरेंस नवा आ जाएगा, पेपर सब क्लियर आ जाएंगे, सब गाड़ियों के पेपर क्लियर आ जाएंगे। हर एक गाड़ी के तो बता रहे अपन, तो टोटली गाड़ी के पेपर क्लियर देते हैं। जैसा कस्टमर आता अपने साथ में, कस्टमर बोलता मेरे को ड्यू में ही चलती है, मैं ड्यू में भी चला सकता, तो वो हम पेपर क्लियर कर लेंगे। वही हिसाब से अपन कस्टमर को बोलते, तुम अगर ड्यू में लेते तो ड्यू में ले लो, या क्लियर में बोले तो क्लियर तो हम करके देते। वैसी ये गाड़ी ड्यू पेपर है, 2014 का मॉडल है, इसकी पासिंग इंश्योरेंस नवी आ जाएंगी, 2,60,000 बोलते, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देंगे। जो गाड़ी के जो रेट जो बोल रहे हैं अपन, सब गाड़ी का रेट में ऑफर दे रहा है, उसमें से कम ज़्यादा हो जाए, ये फिक्स रेट नहीं है। कस्टमर आने के बाद में लोन वाला कस्टमर, कैश वाला कस्टमर, लोन वाला अगर अपने पास में लोन वाला कस्टमर आया तो उसको लोन के हिसाब से रेट लगेंगे, कैश के हिसाब से लोन, कैश के हिसाब से रेट लगेंगे। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई यहाँ पर कोई डीलर है जिसने गाड़ी लगाई है, उसे इमरजेंसी उसका गाड़ी सोल्ड आउट करना है, तो वो कम रेट में भी मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैंने जो इनको बोला था उस तरीके से ये ऑफ़र रेट से ही देना पसंद करेंगे, तो अपना ऑफ़र रेट ही देंगे। चलो सर, ये गाड़ी का बता दिया हमने, ये HT मॉडल था, प्रीवी टू बी डिस्क्राइब्ड, ये सुपर एस ये सुपर एस है, ये भी 2014 का मॉडल है। ये पेपर क्लियर में 1.5 लाख रुपये में देना, पेपर क्लियर में 1.5 लाख रुपए में देना। ओके चलो, पेपर क्लियर में 1.5 लाख में देना है। वैसे तो जितनी गाड़ियां लगी सबके पेपर क्लियर करके दे देंगे, बराबर ना? बिल्कुल क्लियर करके दे देंगे। अगर आप करवाना चाहते हो तो उनसे बात कर लेना, वो जो पैसे का बात होता है वो। बाकी सर इसका बता दिया हमने, नेक्स्ट व्हीकल देखते हैं, इसका रेट बता दिया था ना? ओके बता दिया। सुपर एस और ये टाटा एस HT में क्या फर्क होता है? अलग है, सुपर एस बोले तो डाइकोर इंजन होता है, और टाटा एस HT बोले तो ये लोकल बोले तो सादा इंजन होता है। ओके, तो ये सुपर एस थोड़ा मेंटेनेंस वाला इंजन होता है, वो हिसाब से थोड़ा लोग ये करते हैं उसको। और ये जो है तो ये 2020 का मॉडल है, MH21 में फर्स्ट ओनर है। ओके, फर्स्ट ओनर है, इसके 4,80,000 बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा करके दे देंगे, और इसके पेपर ख़त्म है, पेपर भी नवे करके दे देंगे। पेपर भी नवे करके दे देंगे। चले, क्राउन सचिन लिखा है इसके ऊपर, अच्छा टैटू बना है। बाकी ये वाला जो व्हीकल है ये भी HT 2011 का है। नाम बताइए गाड़ी का। हाँ, ये टाटा AC है, डबल टॉप है, वो ये HT है, ये डबल टॉप है। नहीं, क्योंकि उसके एस के आगे कुछ तो लिखा था, वो मिट गया है। टाटा एस है लेकिन डबल टॉप है ये। इसमें ये रिसेल कम है, ये पेपर क्लियर में तुमको 1,20,000 रुपये में दे देंगे। 1,20,000 में आपको मिल जाएगा ये व्हीकल। 1 लाख के आसपास अगर आपको बड़ा व्हीकल मिल रहा है तो बहुत बेहतरीन बात हो जाती है। बाकी नेक्स्ट व्हीकल हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आता है MH26 सुपर परवनी पासिंग है, MH26 नांदेड़ पासिंग है। ये सुप्रो है, 2017 का है। इसके 3,60,000 रुपये बोलते, इसमें भी कम ज़्यादा करके दे देंगे, पेपर क्लियर करके दे देंगे, पेपर क्लियर करके ये भी मिल जाएगा। बाकी ये सुप्रो मैक्सी ट्रक लिखा है यहाँ पर, यहाँ से बताना है। इसके ऊपर हम सफ़र लिखा है, जो मेरे भाई औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है, बहुत बड़ा ये टैंकर ब्रांड है ट्रैवल का। ये 1,500 लीटर का टैंकर है, सुपर एस है, मॉडल 2012 का है। इसके पेपर ड्यू है, खत्म है, अभी तक खत्म है, क्योंकि टैंकर का सीजन नहीं था, अभी चालू हो जाएगा। इसके पेपर क्लियर करके इसको 1,30,000 रुपये में देना है। 1,30,000 में ये टैंकर है, मतलब ये व्हीकल नहीं, ये आपका बिजनेस है। जो भी मेरा भाई, आप इधर हो जाइए सर, थोड़ा सा यहाँ पर आइए। जो भी मेरा भाई है जो इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ख़रीदेगा, तो मैं चाहता हूँ कि सर इसके अंदर और भी कम करें जब वो आए यहाँ पर। सर प्लीज़ इसमें थोड़ा डिस्काउंट कर देना, किसी का भी बिज़नेस चलता है। बिल्कुल ना, अपने पास में कस्टमर जैसा आता वो हिसाब से अपन रेट करके दे देते हैं। हाँ, कुछ मेहनती वाला होगा, खुद करने वाला होगा, तो उसमें भी कम ज़्यादा करके दे दे। अरे गाड़ी में जो रेट बढ़ा, इसमें सब में कम रेट कम में हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो मैं अभी से बताइए करना चाहता हूँ, जो ये टैंकर अभी बिजनेस स्टार्ट होगा, उनाला तो मतलब धूपकाला तो चालू हो गया। सर आप ये साइड से खड़े रहिए। ये जो गाड़ी है 2020 का गाड़ी है जी, 2020 का गाड़ी, ये सेल आउट हो गया है। ओके, इसका सौदा हो गया है, टोकन आया हुआ है, ये खाली जो है तो उसका लोन प्रोसीजर बाकी है, लोन करना है, पेमेंट आ गए उसको गाड़ी दे देना है। 2020 का गाड़ी है, 2 साल के पासिंग, 1 साल का इंश्योरेंस अपन नवा करके दे रहे हैं, 4,30,000 रुपये में गाड़ी दे दी है। ओके देखिए, ये गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आती है, ये 2011 का मैक्सिमम है। ओके, मैक्सिमम 2011 का मैक्सिमम है, इसका पासिंग नहीं रहता, इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस नया फाइट के देंगे, सेकंड ओनर गाड़ी है।
ओके, गाड़ी सेकंड ओनर है, ये 1,60,000 रुपये रेट बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा करके दे दी। 1,60,000 रुपये कम ज़्यादा हो जाएगा। ये महिंद्रा का गाड़ी ज़्यादातर मुझको दिखता नहीं है सर बेचने के लिए, यहाँ पर है ये, मुझे लगता है स्कूल वूल के लिए काम में आता होगा। स्कूल बस बोल के काम में आती है वो, पैसेंजर गाड़ी स्कूल बस बोल के। हाँ, ये जो है तो ये 2018-19 का है जी, मेगा 2018-19 का मेगा है। इसकी पासिंग अभी 20-22 महीने पासिंग है और इंश्योरेंस 8 महीने इंश्योरेंस चालू है, पेपर चालू है जी। इसके 3,00,000 रुपए बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा करके दे देंगे, इसमें कम ज़्यादा करके दे देंगे। एस मेगा है, बड़े टायर रहते हैं शायद इसके अंदर, और ज़्यादा थोड़ा लंबा कैबिन भी आपको देख, कैबिन बोल रहा हूँ सॉरी, लोडिंग ज़्यादा देखने मिलेगा। ये 16-17 का है, इसकी पासिंग इंश्योरेंस 9 करके दे देंगे, तो इसके 2,80,000 बोलते कम ज़्यादा करके इसको भी दे देंगे। इसके पासिंग नवी आएंगी, इंश्योरेंस नवा आ जाएगा, उसके पेपर चालू है, इसके पेपर ख़त्म है, जिसके पेपर ख़त्म है उसके नवे करके देने वाले आपको। मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता था और मैं क्या करना चाहता हूँ, सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू व्लॉग सीरीज। मैं चाहता हूँ मेरा नया जो चैनल मोटिवेशनल वीडियो, वहां से आपको हमेशा मोटिवेशन मिलती रहे। मैं कोई बहुत बड़ा यूथ आइकन नहीं हूँ कि मेरी स्टोरी आपने देखनी चाहिए, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको देखने के बाद में इतनी पॉजिटिवनेस जरूर मिल जाएगी कि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करने स्टार्ट कर दोगे। मेरा नया सफर रहेगा आप सबकी साथ, अब तक मेरे साथ में रही और आगे भी रहेगी, इस कामना से इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। थैंक यू। जिसके खत्म है उसके नए करके दे देंगे, और कस्टमर को लोन करना है तो अपन लोन की सुविधा अपने पास में, लोन भी करके दे देंगे। ओके, 1 से 1.5 लाख रुपए तक लोन भी मार के दे देंगे, 2,80 बोलते कम ज़्यादा करके दे देंगे। चलो, ये वाला गाड़ी का भी हो गया, अभी ये नेक्स्ट है, ये 19 का है, ये 19 का है, इसके 2 साल की पासिंग करी, अभी पासिंग हुई हुई है, अभी इंश्योरेंस 11 महीने इंश्योरेंस है और 23 महीने पासिंग है। ओके, इसके 3.5 लाख रुपए बोलते हैं, इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, 3.5 लाख बोलते हैं कम ज़्यादा हो जाएंगे। आज के ब्लॉग के अंदर एक चीज़ मेरे से मिस आउट होगी कि मेरे को बताना था कि कितने डाउन पेमेंट के ऊपर एक एवरेज बंदा ले जा सकता है, अभी वो तो नहीं हो पाया मेरे से, मगर आप कॉल करके पूछ सकते हो इनको, ये उनकी आपकी हेल्प करेंगे। अभी तक जितने भी मैंने गाड़ियाँ देखी सारी इंडियन ब्रांड्स की थी, एक तो महिंद्रा नज़र आया मुझको या फिर टाटा नज़र आया, बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि दोनों भी इंडियन ब्रांड्स हैं और इतने लोग पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेचने को है। कुछ और गाड़ियाँ बाहर है सर, राइट? यहाँ पर 2 कार्स है हमारे पास, जो मैं बोल पाऊँगा फैमिली के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं और कुछ लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल के बिज़नेस के लिए। अभी और लोडिंग ट्रक्स बाकी है, लोडिंग गाड़ियाँ बाकी है, पर ये 2 गाड़ियाँ हम पहले कवर कर लेंगे। ये विस्टा है, 2012 का है, थर्ड ओनर है। ओके, MH 21 में है और इसके 1,20,000 रुपये बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा हो जाएंगे, इसका इंश्योरेंस खत्म है, इंश्योरेंस फाड़ के दे देंगे, पेपर क्लियर में मिल जाएगा। ये भी डीजल है, सारी गाड़ियाँ है तो ये भी डीजल ही रहने वाली है। ये 2011 का है, ये भी जो है ये थर्ड ओनर है, MH 21 जालना जमा है और इसके 1,00,000 रुपये बोलते हैं, इसमें 19-20 कम ज़्यादा करके दे देंगे, इंश्योरेंस नवा मिल जाएंगे। चलो ठीक है, इसका भी विषय खत्म। अब ये जो गाड़ी है इसकी, ये जो है तो ये गाड़ी बेचने को नहीं है, ये गाड़ी जो है तो मैक्सिमम ये 2012 का है, 2012 का 1,70,000 बोलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह नवा आ जाएगा, सब पेपर क्लियर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट 1,70,000 बोलते हैं, उसमें कम ज़्यादा करके दे देंगे, 1,70,000 बोलते कम ज़्यादा करके दे देंगे। अभी बाहर जो गाड़ी है सर वो भी बता देंगे, तो चलते चलते सर का ऑफिस भी देख लीजिएगा। ये रहा सर का ऑफिस, और यहाँ पर जब हम सामने आते हैं तो यहाँ पर फिर से बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क है। एक्चुअली ये लोगों का आना जाना चालू रहता है, ये कमर्शियल व्हीकल का ब्लॉग है और कमर्शियल व्हीकल का शोरूम है, उस हिसाब से बताइए। ये जो है तो एक्सप्रेस है, मैजिक एक्सप्रेस 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, MH 21 अकोला पासिंग में फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसके 3,80,000 रुपये बोलते अपन, इसमें कम ज़्यादा करके दे देंगे, 3,80,000 बोले उसमें कम ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये लास्ट गाड़ियाँ बाकी हैं। एक अशोक लेलैंड का दोस्त है, एक महिंद्रा का बोलेरो पिकअप है, एक सुप्रो है और ये HT है, मतलब लॉट्स ऑफ वैरायटी बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है ऑन डिस्प्ले। ये जो टाटा HT ये 2014 का है, इसके 2.5 लाख रुपए बोलते हैं, 2,50,000 रुपये, इसका पेपर क्लियर आ जाएंगे, पेपर अभी थके हुए, पेपर क्लियर करके 2.5 लाख रुपये बोलते हैं, उसमें से कम ज़्यादा हो जाएंगे, 2.5 लाख बता दें इसमें कम ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी फिर से मैं बता दूं कि रेट के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और इनका फ़ोन नंबर देता हूं, इनको कॉल कीजिएगा और आपको जो भाव तो करना है वो कीजिएगा।
बाकी बताइए कैरी है, ये सुपर कैरी मारुति की सुपर कैरी है, ये 2020 का मॉडल है, 19-20 का मॉडल है, इसके 4.5 लाख रुपए रेट बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, इसमें पेपर क्लियर आ जाएंगे, इसके वो पेपर क्लियर आ जाएंगे यार, इसके ऊपर आप 3-3.5 लाख रुपए तक लोन मार सकते हैं लोगों को कस्टमर। आप 4.5 लाख रुपए बोलते हैं उसमें कम ज़्यादा हो जाएंगे, 3-3.5 लाख रुपए तक लोन हो जाएगा, उसके ऊपर का जो है वो डाउन पेमेंट रहेगा। बट ऑब्वियस इतने होशियार हो चुके हैं हमारे कस्टमर, अभी पहले भी उसको नहीं पता होती थी ये बातें, पर हम जब से ब्लॉक कर रहे हैं 2 सालों से तो इतना सीख ही गए होंगे। बाकी इस गाड़ी का डिटेल अशोक लेलैंड दोस्त है, फर्स्ट ओनर है फर्स्ट ओनर है, जालना जमा है, ये 2019 का मॉडल है, इसकी पासिंग अभी हुई हुई है, 23 महीने पासिंग है, 11 महीने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, इसके 5.5 लाख रुपए रेट बोलते हैं, इसमें कम ज़्यादा हो जाएगी। चलो अभी लास्ट और फाइनल गाड़ी रहेगी जो कि हाईटेक बॉडी के साथ में आने वाली है। पहला अशोक लेलैंड कंपनी टू कंपनी हाफ बॉडी के अंदर था, मगर इसको हाईटेक बॉडी लगाई गई है, वाइट कलर है, महिंद्रा है, तो आपको ये गाड़ी खरीदना पड़ेगा। ये जो है तो 2019 का मॉडल है, 2019 का, इसके पेपर ओके मिल जाएंगे क्लियर, 2 साल की पासिंग, 1 साल का इंश्योरेंस, और इसके रेट जो है तो 7.5 लाख रुपये बोलते हैं, कम ज़्यादा करके देंगे, 5-6.5 लाख रुपये तक लोन मार के दे देंगे। ओके, तो इस तरीके से सर ने सर्व किया, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था साथ में, इसीलिए मैं ज़्यादा उनसे उतना क्लोज नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वाले रेट में ले पाऊँ। आप भी इन्हें अच्छे से अच्छा रिस्पांस देना, तभी जाकर इन्हें समझ में आएगा कि हमें बॉटम वाले रेट और भी ज़्यादा बॉटम वाले रेट देने हैं। निगोसिएशन के आपके पास ऑप्शन ओपन है, बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर लोडिंग में देखने मिलती है। बाकी सर थैंक यू सो मच, बस एक लास्ट हमारा काम कर देना, बताना है कि आपके यहाँ पर आना कैसा पड़ेगा शोरूम में, जालना में हमने एंट्री लेने के बाद। हाँ, तो वो आप जो है मेरा रोड पे है, आप जो आए हैं तो आप पैसा औरंगाबाद से जो आते थे औरंगाबाद शोरूम, औरंगाबाद चौकपुली से विशाल पार्ना चले गए, बस स्टैंड रोड पे महिंद्रा रत्न प्रभा शोरूम के एग्जैक्ट सामने युवराज वाहन बाजार बोल के है, एग्जैक्ट सामने सामने रत्न प्रभा शोरूम, महिंद्रा रत्न प्रभा शोरूम के सामने। तो ये रहा एड्रेस, व्यूअर्स आपको भी अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देना है, लाइक शेयर कमेंट भी करना है, और समय ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको कि हमारे चैनल को सर को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देना है, मतलब नेक्स्ट टाइम भी हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।